हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चौंगा और फारा। ये देखिए, ये है, इसको कहते हैं चौंगा। ये चावल के आटे से बना हुआ है। इसको हम चावल के आटे को बॉयल करके बनाते हैं। देखिए, अब देखिए, ये है फारा। फारा देखिए, ये मसूर के दाल से बना हुआ है। चना के दाल में भी बनता है, हम बनाए फारा मसूर के दाल में। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसमें आयल का भी प्रयोग नहीं होता। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। उसमें हम डालेंगे 3 कटोरी पानी। जितना हम पानी डालेंगे उतना ही चावल का आटा डालेंगे। जितना हमें चावल का आटे का फारा बनाना हो उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए, हम 3 कटोरी आटे का बनाएंगे तो 3 कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए, अब पानी हमारा ये बॉयल हो रहा है। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून तेल। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे उसमें। इसके बाद पानी जब हमारा देखिए अच्छी तरह से बॉयल होने लगे, देखिएगा पानी वाला बॉयल होने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे चावल के आटे को। ये फारा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और ये इसको हम भाप पे बनाएंगे। इसमें ज़रा सा भी आयल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, अब चावल के आटे को हम इसमें डालते रहेंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे। जितनी कटोरी हम पानी डाले हैं उतनी ही कटोरी इसमें हम आटा भी डालेंगे। देखिए, इस तरह से 3 कटोरी आटा इसमें हम डाल के इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और पानी में इस आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी एकदम गर्म है, बॉयल किया हुआ है। इस तरह से आटा जो हमारा इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा। एक अच्छा सा डो हमारा बनके तैयार होगा। देखिए, इस तरह से हम इसको खूब अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए कितनी तरह से हमारा पानी जो है, देखिए आटे में अच्छी तरह से मिल गया। आटा जो है हमारे पानी को देखिए सोख लिया है और अब इसका हम एक अच्छी तरह से डो बनाएंगे। अभी इसको हम देखिए मिला रहे हैं। जब सब अच्छी तरह से मिल जाए अब इसको हम देखिए मिलाने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। इस तरह से जो आटा हमारा अच्छी तरह से पक भी जाएगा और ठंडा होगा तो मिलाएंगे इसको। अब देखिए, हम ये लिए मसूर का दाल। मसूर का दाल को हम 2-3 घंटे पहले भिंगा दिए थे। इसको भिंगाने के बाद अब इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इसको हम पीसेंगे। इसे पानी बहुत कम डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा तो फरा में भरने में परेशानी होगी। इसलिए देखिए, अब इस तरह से हम बहुत थोड़ा पानी डाल के दाल को हम पीसेंगे। ये चावल के आटे का फरा बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें इसको हम तेल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको हम वैसे ही भाप पे बना के खाते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। देखिए, इस तरह से इसमें हम डाल देंगे दाल को और उसमें हम डालेंगे देखिए लहसुन की कलियाँ। 2 पीस लहसुन की कलियाँ डालेंगे और 3 लाल मिर्च सूखे और 1 टीस्पून जीरा। इसको हम दाल के साथ ही अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए, हमारा दाल देखिए पीस के तैयार हो गया है। देखिए, एकदम अच्छा सा पीस गया, गीला भी नहीं हुआ है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दाल को हम प्लेट में निकाल लेंगे
अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ सूखे मसाले। देखिए इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हींग डालेंगे, थोड़ी सी चुटकी, 1 चुटकी हींग डाल देंगे इसमें और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे धनिया की पत्ती, धनिया की पत्ती को हम बारीक काट लेंगे और उसको डाल देंगे और 2-3 हरी मिर्च को भी बारीक काट के इसमें हम डाल देंगे और इसको स्टफिंग इसका तैयार कर लेंगे परे का इस तरह से। इस तरह मिला लेंगे इसको। देखिए कितना अच्छा स्टफिंग तैयार हो गया है। दाल को हम एक साइड रख देंगे और इधर हम देखिए आटा जो बनाए थे इसको हम अच्छी तरह से इसका एक मिला के डो बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा से आटा जो है पानी को अच्छी तरह से सोख लिया है, बॉयल पानी में तैयार हो गया आटा बन के। देखिए कितना अच्छा, अब इसका एक हम अभी तो थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने पर इसका हम एक अच्छी तरह से डो बना लेंगे। इसको हम एक दूसरे परात में निकाल के किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। जिस तरह से हम आटे का डो बनाते हैं उसी तरह से इसका भी डो बना लेंगे। ठंडा हो जाने पे इसको हम डो बनाते समय खूब हाथ से इसको हम खूब मलेंगे और इधर हम पानी चढ़ा दिए हैं। देखिए पानी हमारा बॉयल हो रहा है। इस फारा को हम भाप में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब देखिए इसमें हम एक जाली ले लीजिए और उसमें हम थोड़ा सा आयल लगा देंगे। इधर मेरा देखिए पानी बॉयल हो रहा है और इधर हम फारा को बनाएंगे। इसके लिए देखिए हम डो बन के तैयार है, उसकी लोइयाँ बना लिए हैं। अब लोई को हम बेलेंगे पूरी की तरह से, इसे थोड़ा मोटा ही एकदम पतला नहीं करेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा और अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। अब देखिए सूखे आटे को लगा के हम चावल का आटा सूखा रख लेंगे थोड़ा, उसको इसमें लगा के इसको बेलेंगे। जिस तरह से हम पूरी बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको मोटा ही रखेंगे ताकि टूटने ना पाए। देखिए हम इसको बोल लिए और इसको गोल करने के लिए किसी भी कटोरी या कोई भी चीज़ लेके इसको हम ऐसे काट लेंगे तो इससे हमारा सेब जो एक बराबर सभी फारे बनेंगे। ये तो वैसे तो छोटे बड़े बन जाएंगे, ऐसे करने से एक बराबर होंगे, एक साइज के देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। देखिए ये फरा जो है देखिए कितना अच्छा बनाने के लिए पूरी तैयार हो गया है। इस तरह से हम सभी पूरी को जितना फारा बनाना हो एक बार में जितना हमें रखना हो उतना हम इसको बना लेंगे। इस तरह से हम पूड़ी बेलेंगे कितने आराम से। देखिए ये पूड़ी जो हमारा बेल ले रहे हैं, इसको अगर हम पतला करेंगे ज़्यादा तो ये चिपकने लगेगा उसमें। देखिए फिर इसको भी इस तरह से हम काट लेंगे। इस तरह से हमारे एक साइज के सारे फरे बनेंगे। देखिए इस फारा को बनाने में हमें कोई ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में ही दाल चावल सबके होते हैं। चावल को पीस लीजिए और इस दाल को भिंगा के और उसमें मसाले डाल के भर के बना लीजिए भाप पे। देखिए इस तरह से हम इसको भर देंगे पूरी में, दाल की जो है स्टफिंग कर देंगे। देखिए और हम जो ये हमारा देखिए पानी गर्म हो गया है, भाप भी देखिए बन गया है पूरा। अब इसको हम रख देंगे इसमें। ऐसे बना के हम सारे परे को ऐसे रखेंगे। देखिए
देखिए कितना अच्छा ये फारा बना हुआ है, एक साइज का सब बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए अब इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए, इसको हम ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद मेरा फारा ये जो है बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया, सारे फारे जो हैं वो पक गए हैं। देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में। निकालने के बाद इसको हम खट्टी चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अब इसके लिए हम बनाएंगे चौंगा। इसके साथ में फरा के साथ चौंगा भी खाया जाता है। इस तरह से छोटा छोटी लोई छोटी छोटी लोइया को लेके उसे हम बनाएंगे, पतले पतले नूडल्स की तरह इसको हम बना देंगे इस तरह, और उसको भी हम भाप पे पका लेंगे। इस तरह करेंगे और हल्की हाथों से उसे हम इस तरह उसको बनाएंगे, जिस तरह नूडल होता है लंबा लंबा उसी तरह उसको हम बनाएंगे। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होगा क्योंकि इसमें आटे में नमक पड़ा हुआ है, ऐसे हम चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए हमारी ये चौंगा जो है पूरे बन गए, इसको भी हम इस तरह से भाप पे रख देंगे। इस तरह से भाप पे रख के इसको हम केवल इसको पकने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। इसको हम ढक देंगे रखने के बाद। देखिए 5 मिनट के बाद से हम खोलेंगे, मेरा ये चौंगा जो है वही बनके तैयार हो जाएगा। मेरी ये रेसिपी बनके तैयार है, चौंगा और फरा। इसे खट्टी चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसमें ऑयल का प्रयोग ज़रा भी नहीं होगा, बहुत ही हेल्दी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।